23 मार्च 1931, एक ऐसा दिन जहां पर तुम इस युवावस्था में बारहवीं के एग्जाम की टेंशन लेते हो, शादी की टेंशन, गर्लफ्रेंड की टेंशन, बॉयफ्रेंड की टेंशन, देश तो दूर की बात है, देश के लिए कौन सोचे, सही है। 23 मार्च 1931 को 23 साल के एक युवा भगत सिंह को, सिर्फ 23 साल के थे वो, सिर्फ 23 साल के, 23 साल के एक युवा भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, शहादत हुई थी उनकी। और वो भी पता है, सोचो कि किसको 23 साल की उम्र में फांसी लग रही हो, कैसा एटीट्यूड होगा, रो रहा होगा, मम्मी पापा तुम्हारे तो फांसी तो तुम्हें तो चोट लग जाए तो हम रोने लग जाते हैं, वो हंस रहे थे। इनफैक्ट फांसी 24 मार्च को होने वाली थी, लेकिन अंग्रेज इतना डर गए थे कि क्योंकि इतना ज्यादा अपोज आ रहा था कि भगत सिंह जी को छोड़ो, भगत सिंह को छोड़ो, दो लोग और थे, राजगुरु सुखदेव, ये तीन लोगों को फांसी होनी थी 24 मार्च को, इतना ज्यादा अपोज आ रहा था कि उनको 23 मार्च की शाम को ही उनको फांसी चढ़ा दिया गया, सिर्फ 23 मार्च के। और पता है कैसे फांसी चढ़े, हंसते हुए, किसी को हंसते हुए फांसी चढ़ते देखा है? अब आज के युवा को ना इससे इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो पुरानी बात है सर, चले गए, उन लोगों की वजह से आप लोग खुली हवा में सांस लेते हो आज। और पता है आपको जिस वक्त उनको फांसी देने वाले थे, मतलब उनको बुलाने आए थे, चलो तुम्हें फांसी देनी है, बुक पढ़ रहे थे, वो किताब पढ़ रहे थे बैठ के, हाँ हाँ मजा आ रहा है, कई लोग तो रोते हो, माय गॉड मेरे को फांसी होने वाली, किताब पढ़ रहे थे, सोचो। और उनके साथ क्या किया पता है तुम्हें, जब उनको फांसी दे दी गई, पहले तो उनको बहुत ज्यादा डर था, तो आगे से भी नहीं, जहां फांसी दी गई उनके आगे से डेड बॉडीज को नहीं निकाला, पीछे से दीवार तोड़ के डेड बॉडीज को निकालना पड़ा, क्योंकि आगे बहुत सारे लोग थे, और निकाल के उनको कहीं दूर किसी नदी के पास जाके उनके लाशों को टुकड़े टुकड़े करके उनकी लाशों को जला दिया गया था, यह हुआ था उनके साथ। वैसे ना पता है सुन के डर लगता है, लेकिन ये सच है। अब सोचो कि जिनके साथ हुआ उनके साथ क्या क्या था, ऐसे शहीदों को सलाम करने का मन नहीं करता। और कल वो दिन है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपनी छोटी मोटी टेंशन छोड़ दो, क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ किया है आपके देश के लिए,